Afternoon 6th class, today we are going to start our second chapter of history, that is the earliest societies. It means जो early men हैं उनकी जो सबसे पहली जो society थी, जो समूह था, जो group था. Today we are going to learn that. First of all we will see the timeline. Let's see timeline carefully. Here is written Paleolithic age, Mesolithic age and Neolithic age. Paleo means beta old and lithic means stones. It means old stone age. Meso means middle and lithic means stone is. It means middle stone age. Neo means new. Lithic means stone. It means new stone age. तो lithic means stone यानी कि वो time period जब early human being stone का use करता था. तो in this chapter we are going to learn all these टाइम एज यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें अर्ली मैन स्टोन का यूज़ करता था. इन होल चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दैट. वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर विद वार्म अप. आवर अर्थ इज मच ओल्डर दैन द लाइफ ऑन इट. इट मीन्स हमारी जो अर्थ है वो बहुत पुरानी है और अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो बहुत बाद में आई है. एनिमल्स प्लांट्स एंड मैन अपीयर्ड ऑन द अर्थ मच लेटर. अर्थ के ऊपर एनिमल्स प्लांट और जो मैन है बहुत बाद में दिखाई दिए हैं. अर्ली मैन पास्ड थ्रू मैनी स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन मीन्स होते बेटा द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज यानी कि धीरे धीरे जो लाइफ में चेंजमेंट आया है डैट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन. बिफोर दे ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम देयर स्टोपिंग. स्टोपिंग मीन्स होता है टू बैंड यूअर हैड एंड शोल्डर फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड यानी कि झुक कर चलना. एप एप मीन्स होता है अ लार्ज मंकी विद नो टेल यानी कि एक बड़ा बंदर जिसकी कोई पूछ नहीं है. एप लाइक अपीयरेंस टू द प्रेजेंट स्टेज एंड पोस्चर. इट मीन्स जो अर्ली मैन है उसने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे स्टेज से गुजरे हैं. पहले वो कैसे था, वो एक बंदर की तरह था जिसकी कोई पूछ नहीं थी और वो झुक कर चलता था. और आज जो प्रेजेंट डे है उसका पोस्चर यानी कि हम जो प्रेजेंट डे हैं उसका पोस्चर ये है. और जो अर्ली ह्यूमन बींग था वो ऐसे था. उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आए. उसने थोड़ा सा झुकना कम कर दिया, वो थोड़ा खड़ा होने लगा. उसके बाद ऐसे दैन ऐसे दैन ऐसे नाउ ये प्रेजेंट ह्यूमन बींग है लाइक अस. अपीयरेंस मीन्स होता है बेटा द वे दैट समबडी लुक्स और सीम यानी कि वो हमारा बाहरी रूप जो कि सभी को दिखाई देता है अपीयरेंस. मैन हैज़ इवॉल्व थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स. इवॉल्व मीन्स होता है डेवलप. जो मैन है उसको लाखों साल लगे हैं आज जो ह्यूमन है उस तक पहुँचने में. अर्ली मैन लिव्ड अ प्रीमिटिव लाइफ ऑफ हार्डशिप एंड स्ट्रगल. जो अर्ली मैन है उसका जो टाइम पीरियड रहा है वो बहुत ही मुश्किलों से और संघर्षों से भरा है. प्रिमिटिव मीन्स होता है वेरी अर्ली पीरियड यानी कि जो उसका स्टार्टिंग का टाइम पीरियड है उसमें वो आदि मानव था. द प्रिमिटिव मैन डिड नॉट लिव अ लाइफ लाइक द मैन इन द मॉडर्न टाइम्स यानी कि जैसी हम जिंदगी जी रहे हैं वैसा जो प्रिमिटिव मैन था जो आदि मानव था वैसी जिंदगी नहीं जीता था. इट वॉज ग्रेजुअली डैट ही लर्न टू लिव इन सिंक विद हिज एनवायरमेंट. ग्रेजुअली मीन्स स्टेप बाय स्टेप. इट मीन्स अर्ली मैन धीरे धीरे अपने एनवायरमेंट के साथ तालमेल बनाकर जीना सीख लिया उसने. एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन ही वॉज हिज एबिलिटी टू बैलेंस हिमसेल्फ ऑन हिज फीट. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रिमिटिव मैन में आया वो ये था कि अब वो अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होने लगा. उसको बैलेंस बनाना आ गया. ही कूड स्टैंड एंड वॉक स्ट्रेट. अब वो खड़ा हो सकता था और सीधा चल सकता था. हीज हैंड वर फ्री टू पिक अप एंड थ्रो थिंग्स. अब जो उसके हाथ थे वो खुल गए थे, आज़ाद हो गए थे. अब वो किसी भी चीज़ को उठाकर फेंक सकता था. द थंब टू इवॉल्व एंड इट कूड मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट और अदर फिंगर्स एंड इवन क्लोजर. इट मीन्स जैसे जो प्रिमिटिव मैन था वो पहले ऐसे हाथ रख के चलता था. उसके बाद उसको अपने हाथ जैसे ही वो सीधा खड़ा होकर चलने लगा तो बेटा उसने अपने हाथों की उंगलियों को खोल लिया और उसको चीज़ों को पकड़ने आने लगा और वो अपने अंगूठे को भी हर डायरेक्शन में घुमाने लगा. This gave him the advantage of holding objects better than the hominids or any other creature. जब उसको अपने हैंड का प्रॉपर
इस्तेमाल करना आ गया तो उसको चीज़ों को पकड़ने में आसानी होगी, जो कि किसी भी होमिनिड्स मीन्स होता है बेटा एन ऐप लाइक क्रिएचर दैट लिव्ड इन द पास्ट, यानी कि जब अर्ली मैन इस ऐप की तरह था तो इस पोजीशन को वी कॉल इट होमिनिड्स, यानी कि होमिनिड्स जब वो था तो वो झुक कर चलता था और अपने हाथों को वो चलने के लिए यूज़ करता था, यानी कि वो अपने हाथों का प्रॉपर इस्तेमाल करना उसको नहीं आता था, लेकिन अब अर्ली मैन को अपने हाथों का इस्तेमाल करने आ गया है तो वो अब होमिनिड से बहुत बेटर हो गया है। वी विल स्टडी ग्राउंड ब्रेकर, ग्राउंड ब्रेकर मीन्स फाउंडर ऑफ न्यू थिंग्स, यानी कि जो न्यू थिंग्स को ढूंढता है या जो निर्माता होता है डैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड ब्रेकर। तो यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकर कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुटे। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी। ही वॉज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कोलॉजिस्ट हु कंडक्टेड जियोलॉजिकल सर्वेज इन इंडिया। इट मीन्स जो रॉबर्ट ब्रूस फुटे है वो इंडियन जो प्री हिस्टोरिक जो आर्कोलॉजी टाइम पीरियड के हैं उनको इसका फादर कहा गया है, क्योंकि जो प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी है उसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने की है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ब्रिटिश से बिलोंग करते थे और ब्रिटिश के ये जियोलॉजिस्ट एंड आर्कोलॉजिस्ट है। जियोलॉजिस्ट मीन्स जो अर्थ की स्टडी करते हैं और आर्कोलॉजिस्ट जो अर्ली ह्यूमन बींग की स्टडी करते हैं। हु कंडक्टेड जियोलॉजिकल सर्वे इन इंडिया, और इन्होंने ही इंडिया के अंदर जियोलॉजिकल जो सर्वे है यानी कि अर्थ का जो सर्वे है, जो ज़मीन का सर्वे है इंडिया की, वो इन्होंने ही किया था। नाउ नेक्स्ट ग्राउंड ब्रेकर, चार्ल्स डार्विन, अ रिनाउंड, रिनाउंड मीन्स बेटा फेमस ब्रिटिश नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट मीन्स वन हु स्टडीज एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो पर्सन जो एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी करता है डैट इज़ कॉल्ड नेचुरलिस्ट। पुट फोर्थ मीन्स फॉलो अ थ्योरी डैट ह्यूमन बींग इवॉल्व अराउंड एन एप रिजेंबलिंग क्रिएचर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। दिस क्रिएचर हैज़ बीन नेम्ड एज होमिंड। इट मीन्स जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने ही ये थ्योरी दी है कि हज़ारों साल पहले जो एप था यानी कि एप वो बंदर जिसकी पूंछ नहीं थी वो इंसान की तरह ही दिखता था, और जो इंसान है वो इसी एप का ही डेवलपमेंट फॉर्म है, यानी कि यहीं से एप ही जैसे जैसे धीरे धीरे इवोल्व मीन्स डेवलप हुआ तो वो बाद में क्या बन गया? ह्यूमन बींग, यानी कि हम बन गए। दिस क्रिएचर हैज़ बीन नेम्ड एंड होममेड, और चार्ल्स डार्विन ने ही इस क्रिएचर को क्या नाम दिया है? होममेड, यानी कि जो अर्ली मैन है जब वो एप की तरह था यानी कि लंगूर बंदर की तरह था तो उसको जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने उसको क्या नाम दिया है? होममेड। नाउ बेटा वी लेफ्ट दिस लाइन, ग्रेजुअली मीन स्टेप बाय स्टेप और स्लोली, यू कैन से द साइज ऑफ द ब्रेन इंक्रीज। जो अर्ली मैन था उसका जो ब्रेन का साइज था वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अगर उसके ब्रेन का साइज बढ़ेगा तो इट मीन्स उसकी जो सोचने की पावर है, समझने की पावर है, वो भी बढ़ेगी। एंड मैन लर्न टू अंडरस्टैंड, वो आपको बता दिया था बेटा टीवी स्पेस पे कि जब जैसे ही अर्ली मैन का माइंड इंक्रीज हुआ, ब्रेन इंक्रीज हुआ, तो उसको चीज़ों को समझना आने लगा। एंड अडेप्ट हिमसेल्फ टू हिज सराउंडिंग, अडेप्ट मीन्स होता है टू बिकम फैमिलियर विद अ न्यू सिचुएशन, यानी कि जो नई नई चीज़ें हैं उनके साथ जान पहचान करना या उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अडेप्ट करना, यानी कि उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मिलाना। तो जैसे जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज़ हुई तो उसको अपनी सराउंडिंग जो चीज़ें हैं उनको उन चीज़ों से जान पहचान बनने लगी, उनका वो फैमिलियर होने लगा। इन टर्म्स ऑफ सोशल अरेंजमेंट ऑल्सो मैन इवॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम अ हंटर गैदरर टू अ फार्मर हर्डर। इट मीन्स स्टार्टिंग में जो अर्ली मैन था वो कैसा था? हंटर गैदरर, यानी कि वो शिकारी था, कच्चा मांस खाता था और अपने खाने को इकट्ठा करता था। बाद में जैसे जैसे इवोल्व में, जैसे जैसे उसकी जो लाइफ थी डेवलप होती गई, जैसे जैसे उसको चीज़ें समझ में आने लगी, उसके माइंड का डेवलप होता गया, तो वो क्या बन गया? हंटर गैदरर से एक फार्मर गैदरर बन गया, फार्मर हर्डर बन गया। इट मीन्स वो किसान बन गया, अब वो एग्रीकल्चर करने लगा था, और हर्डर मीन्स अब वो एनिमल्स को भी पालने लगा था लाइक हॉर्स, गोट, काउ एक्सेट्रा। द चेन ऑफ चेंजेस लेड द प्रिमिटिव मैन टू व्हाट ही इज टुडे। और ये जो चेंज है, चेन है चेंजिंग्स की, उसके अंदर जो बदलाव की जो चेन उसके अंदर आई है, उसी ने उसे आदि मानव से आज का मनुष्य बना दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द स्टोन एज। थैंक यू।